गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। ब्यास में नहाने उतरे इंदौरा के दो युवक डूबे, भोगरवा मलाल के बीच हादसा। कुल्लू में जेपी नड्डा की हुंकार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और धारा 370 का क्या बताया कनेक्शन। कांगड़ा पहुंचते ही कांग्रेस चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला का हमला, उपचुनावों को लेकर कह दी बड़ी बात। बिलासपुर में पानी बचाने को बड़ा प्लान, 15 बड़े चेक डैम की योजना। और अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला के इंदौरा के भोगरवा मलाल में ब्यास नदी में नहाने उतरे दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सहोड़ा मल्हाड़ी और डूहक के तीन युवक भोगरवा मलाल में ब्यास नदी में नहाने उतरे। इस दौरान एक युवक दो साथियों को छोड़कर चला गया। जब वह शाम को वापस आया तो दरिया किनारे दोनों के कपड़े मिले। उसे शक हुआ और उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर रविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल घटना स्थल पर पहुंचा और दोनों के शव निकाले। मेरा शुभ नाम हिम्मत राज, ग्राम पंचायत भोगरो। तो कोई 6:30 के करीब मेरे पास लड़का आया विरोध कुमार, तो उसने बताया कि हम तीनों लड़के यहाँ पर नहाने के लिए आए। तो नहाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने अभी फिर कोई इंदौरा से फोन आया, तो मैं इंदौरा जा रहा हूँ, जब आप नहा लेंगे तो मेरे को फ़ोन कर लेना। तो वो फ़ोन का इंतज़ार कर लेना, फ़ोन आया नहीं। तो वो यहाँ पर आया तो यहाँ कपड़े मेरे उसके और कुछ नहीं, पानी कह रहा है, पानी कह रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 इयर्स ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मेसी, बी टेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बीएससी एमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएएमएस, बीपीटी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, एमए इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, एमटेक, एम फार्मेसी, पीएचडी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में कुल्लू के पीरड़ी में श्रद्धांजलि एवं पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को एकजुट रखने में श्यामा प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की बात कही थी तो मुखर्जी जी ने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू का विरोध किया था। तब वह कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कभी एकता यात्रा निकली, कभी लाल चौक चलो की यात्रा निकली, एक नहीं अनेकों बार हम लोगों ने श्रीनगर जा करके अपनी बात को कहने का प्रयास किया। लेकिन आज, और आपको मालूम है कि 126 कानून भारत के संविधान से पारित किए हुए जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल की रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन नहीं थी। हम सब लोग ट्राइबल है ना, हमारे लोग, उनको ट्राइबल रिजर्वेशन मिलती है कि नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं थी। जम्मू कश्मीर में हमारे हरिजन भाइयों को दलित रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो तो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर की बिटिया अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो प्रॉपर्टी से वंचित हो जाती थी। जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता था, बाकी जम्मू कश्मीर में वो क्लर्क नहीं बन सकता।
ऐसा 126 के आसपास कानून भारत के लागू नहीं होता। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी और मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने इसको साकार करके दिया है। इसलिए आज के दिन जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन मनाते हैं तो उनके जीवन से हमको प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि वो पार्टी से नहीं बंधे। पहले कांग्रेस को छोड़ी, फिर हिंदू महासभा को छोड़ी, जनसंघ स्थापित किया, लेकिन वो विचार से जुड़े रहे और विचार के लिए वो आंदोलन चलते रहे। तो हम सब लोग भी विचारशील पार्टी के विचारशील कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम सब लोगों को भी विचार के साथ जुड़ करके देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश और मन में हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। यही मुझे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त मंगलवार को कांगड़ा पहुंचे। गग्गल हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर मौजूद रहे। गग्गल हवाई अड्डे पर ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस हिमाचल में होने जा रहे तीनों उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। जनता ने अपना मन बना लिया है कि भाजपा को इन तीनों उपचुनाव में हराना है और आने वाले 2022 में भी विधानसभा से भाजपा का जाना तय ही है। अगर ऐसे इतनी जल्दी नहीं बनता है तो कांग्रेस हाईकमान तय करता है। तो साफ तौर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जल भंडारण योजना के तहत बिलासपुर वन वृत्त में करीब 12 से 15 बड़े चेक डैम लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से जल संरक्षण किया जाएगा जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके। मुख्य अरण्यपाल देवराज कौशल ने बताया कि इस योजना के तहत बिलासपुर वन वृत्त के कार्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन वृत्त के सभी DFO, रेंज ऑफिसर्स व डिप्टी रेंजर्स उपस्थित रहे। इन्हें विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पानी को कैसे रेनफॉल का परकुलेशन बढ़ाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, हिमाचल सरकार ने ये तय किया कि बड़े स्तर पर हम चेक डैम्स, पाउंडेज ऑफ वाटर्स बनाएंगे। तो इस बार हमने तय किया कि बिलासपुर जिला में और हमारा कुनिहार डिवीज़न जो सोलन जिला का है इसमें कम से कम को 12-15 बड़े चेक डैम जिसमें कि काफ़ी पानी की पाउंडेज होगी उसको हमने चिन्हित किया हुआ है। उसी संबंध में आज मेरे सभी DFOs, सभी रेंज ऑफिसर्स और सभी डिप्टी रेंजर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने एक्सपर्ट इंजीनियर जो हाइड्रोलॉजी के वो प्रवक्ता भी बुलाए हैं तो उनको ट्रेन कर रहे हैं कि साइट सिलेक्शन कैसे करना है और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पाउंडेज पानी की हो सके और उससे जो है लोगों को जल की सुविधा मिल सके। तो उसी संबंध में आज जो ये कार्यशाला हो रही है और वैसे भी आपको पता है कि वन विभाग ये कार्य पहले से करता आ रहा है लेकिन इस विशेष स्कीम में धन की कोई कमी नहीं है। जो मौके के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी कैचमेंट को ट्रीट करने का वो फाउंडेशन के साथ साथ हम ऊपर से टॉप टू बॉटम इसमें जो सॉइल कंजर्वेशन के काम भी करेंगे, पूरे वाटर सेट को ट्रीट करेंगे। इसमें पौंड एक इकलौता पौंड कंस्ट्रक्शन या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरी कैचमेंट को ट्रीट करेंगे ताकि वो कैचमेंट बढ़िया हो और जो हमारे नदी नाले जो कि 12 महीने चलते थे पहले कई साल पहले और अब सूख गए हैं वो रिचार्ज हो और पानी को बढ़ावा मिल सके।